नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आपको पता होगा, मैं पिछली अभी 10-12 दिन पहले एक सोराइसिस पर एक वीडियो डाल चुका हूँ कि सोराइसिस क्या है, सोराइसिस कैसे होता है, सोराइसिस के लक्षण क्या होते हैं। तो अब मैंने आपको कहा था कि इस पर मैं पूरी सीरीज़ बनाऊंगा। अगर मेरे YouTube चैनल पर मेरी भी किसी ऑडियंस या अपनी किसी YouTube फैमिली में सोराइसिस है, मैं उसको होने नहीं दूंगा। और अगर सोराइसिस है तो बहुत जल्दी उसका सोराइसिस ठीक कराऊंगा अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, क्योंकि 4 से 5 साल मैंने इस बीमारी के साथ सफ़र किया है, सोराइसिस के साथ सफ़र किया है। तो आप लोगों को तो मैं होने नहीं दूंगा। यदि आपको कुछ ऐसी लक्षण भी नज़र आ रहे हैं तो आपको मैं पूरी तरीके से गाइड करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि आप इससे कैसे बचे रह सकते हैं, क्योंकि आजकल जो है स्किन की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा जो है यंगस्टर्स को देखने को मिल रही है। हालाँकि इसका कोई गारंटी नहीं है कि यंगस्टर्स को ही होगी, किसी भी एज में आपको सोराइसिस हो सकता है। तो गाइज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले अगर आपको पता लग जाता है, डॉक्टर आपको बताते हैं कि सोराइसिस है, सोराइसिस लाइलाज बीमारी है, पहली बात तो सोराइसिस का ट्रीटमेंट हो सकता है और ये जड़ से ख़त्म हो सकती है। लेकिन इस वीडियो में मैं जो बात करने वाला हूँ वो ये है कि ट्रीटमेंट तो चलो होता रहेगा, पता लग गया कि सोराइसिस है, लेकिन सबसे पहले सोराइसिस में हमें करना क्या है, हमें क्या चीज़ें अवॉइड करनी है सबसे पहले। कि हमें पता लग गया है कि हमें सोराइसिस है तो हमें सबसे पहले क्या चीज़ छोड़नी है, डाइट में क्या चेंज करना है, तो सबसे पहले वो चीज़ें जो बिल्कुल अवॉइड करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, आप जो है अपने खाने में सफ़ेद नमक को बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, उसकी जगह सेना नमक इस्तेमाल कीजिएगा, वो भी कम मात्रा में आप यूज़ कीजिएगा। दूध अगर आप पीते हैं तो उसको कम कर दीजिएगा, एक टाइम केवल आप दूध पी सकते हैं, वो भी गाय का डबल टोन के साथ। तो आप पानी मिला के पतला करके गर्म करके आप दूध एक समय केवल ले सकते हैं। अगर आप चाय पीते हैं तो तुरंत आप छोड़ दीजिएगा, चाय जो है नुकसान देती है सोराइसिस में, और ये जो है वैसे भी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। हालांकि एनर्जी थोड़ी सी दे देती है लेकिन वैसे स्किन के लिए अच्छी नहीं है। तो अगर आप चाय भी पीते हैं तो तुरंत आप चाय को छोड़ दीजिएगा। दूसरी बात, आप ऑयली चीज़ें तुरंत छोड़ दीजिएगा। अगर आप जो है कचौरी वगैरह खाते हैं या छोले भटूरे वगैरह या बाहर का कुछ भी ऐसा खाते हैं और मसालेदार चीज़ें, ऑयली चीज़ें और मसालेदार चीज़ें तुरंत छोड़ दीजिएगा। ज़्यादा हरी मिर्ची छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और जो है खट्टे फल जो होते हैं, जो साइट्रिक फ्रूट्स होते हैं ना, जिनमें खटास होती है, जो खट्टे होते हैं, उन फलों को तुरंत आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि खट्टे फल से जो है सोराइसिस एग्रावेट होता है, सोराइसिस बढ़ जाता है और उसमें ईचिंग प्रॉब्लम होती है। तो ये जितनी चीज़ें मैं आपको अवॉइड करने के लिए कह रहा हूँ दोस्तों, ये आप तुरंत छोड़ दीजिएगा। और अगर आप ट्रीटमेंट भी कराएंगे, मैं आपको आगे भी वीडियो में बताऊँगा और जो वीडियो मैं अपने चैनल पर बनाऊँगा, आलू आप जब तक आपका ट्रीटमेंट होता है या सोराइसिस ठीक नहीं होता है, आलू आप छोड़ दीजिएगा या कभी कभी आप ले सकते हैं। टमाटर खट्टे होते हैं उनको छोड़ दीजिएगा, बैंगन मत खाइएगा, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जो बिल्कुल आपको अवॉइड करनी है, यानी बिल्कुल आपको छोड़नी है जब तक आपका सोराइसिस ठीक नहीं हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा मैं आगे भी वीडियो में बनाऊंगा कि अब अवॉइड तो ये चीज़ें करनी है, इनकी जगह आपको खाना क्या है, लेकिन फ़िलहाल मैं वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, जो चीज़ें आपको बिल्कुल छोड़नी है। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, जो जो मैंने आपको वीडियो में बताई हैं, वीडियो दोबारा से आप जो है रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। तो मिलूँगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले कंटेंट के साथ, या अगली वीडियो में सोराइसिस की, और उसमें भी मैं आपको कुछ बताऊँगा कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, या किस तरीके की चीज़ें आप जो है सोराइसिस में खा सकते हैं। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।